Hello everyone, today we are going to start some number, illustration number 51, page number 5.60, chapter number 5, admission of partner. उसमें as usual revaluation, capital, cash और balance sheet बनाना है. उसमें current account की balance दी गई है, तो मैं direct current account बनाता हूँ. फॉर्म की जो कैपिटल है वो हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में असेट्स में सॉरी लायबिलिटी में लिख देंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप उसमें क्वेश्चन निकाल के रखिए. रेगुलर सम है हमारा, सिर्फ करंट की बजाय कैपिटल की बजाय करंट अकाउंट दिया गया है. लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही सम किया था करंट अकाउंट का. करंट अकाउंट में तीनों पार्टनर के ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी दो पार्टनर की ही जरूरत पड़ती है. ऐसे दो पार्टनर भी चलेंगे इसमें, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट आप नाम ले सकते हो. और बैलेंस शीट, एबीसी तीन पार्टनर है. कैपिटल हम डायरेक्ट लिखेंगे, करंट इसमें लिखेंगे, करंट की एंट्री. ओके, तो पहले कैपिटल लिख ही देते हैं हम. कैपिटल की बैलेंस अगर कैपिटल अकाउंट बनाया होता तो उसमें लिखते, अभी हम डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख रहे हैं. कैपिटल ए और बी दो की होगी, तीसरा पार्टनर एड हो रहा है, 3 लाख और 2 लाख. इसमें सी की कैपिटल एड होगी, इसलिए अभी ऐसे ही रखते हैं. करंट की भी बैलेंस लिख लेते हैं, करंट की बैलेंस दोनों की क्रेडिट ही है, इसलिए करंट बैलेंस क्रेडिट साइड 80,000 और 60,000. ओके, इसके बाद कैश की बैलेंस लिख लेते हैं. असेट साइड होगी कैश या फिर बैंक लिखा होगा, तो उसकी बैलेंस है 1 लाख. हो गया, सारी बैलेंस लिख ली हमने. अब एडजस्टमेंट रीड करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी इज टू इंट्रोड्यूस 2,50,000 एज कैपिटल. तो अब इसमें कैपिटल हम लिखेंगे 2,50,000. अगर हम कैपिटल बनाते हैं तो हम कैपिटल में लिखते ही थे, कैपिटल नहीं बनाया है, इसलिए कैपिटल का लिस्ट बनाया है लायबिलिटी. कैश में ला रहा है वो कैपिटल, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट साइड भी लिखेंगे 2,50,000. ये रेगुलर एंट्री है, हर एक सम में ये एंट्री तो होती ही है. ओके, सेकंड एडजस्टमेंट, गुडविल इज एग्रीड टू बी नील. ओके, गुडविल का एडजस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल नील है, कुछ नहीं बोला है गुडविल के लिए, तो वो नहीं होगा एडजस्टमेंट. इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 15,000 व्हिच वाज नॉट टू बी पेड. ओके, क्रेडिटर्स को अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स 15,000. और बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर्स माइनस करके लिखेंगे. क्रेडिटर्स ओल्ड कितने हैं, 2,60,000, और उसमें से हम 15,000 माइनस कर देंगे. क्रेडिटर्स के रिलेटेड और एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इनर कॉलम में मैं यहां पे लिखता हूं 260 माइनस 15. और एक एडजस्टमेंट सोल्व होने के बाद हम फाइनल अमाउंट आउटर में लिखेंगे. फोर्थ, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम ऑफ 20,000 इज टू बी अकाउंटेड. ओके, 20,000 हम पहले क्लेम लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम लायबिलिटी 20,000. अब हम चेक करेंगे कि ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कि नहीं. नहीं है तो टोटल लॉस मान लेंगे, जो जितना क्लेम पे करना पड़ेगा वो टोटल लॉस है, और लॉस हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट 20,000.
Fifth, provision for doubtful debts is to be 10% on debtors. तो debtors है 1,50,000, उसमें से 10% माइनस कर दो आप, माइनस प्रोविजन 15,000, तो हो गया 1,35,000 आउटर में। अब आप चेक करो उसमें उन लोगों ने प्रोविजन कितना रखा है, 10,000, हमने कितना रखा 15,000, तो 5,000 का लॉस हुआ, वो 5,000 हम लिखेंगे रिवेल्युएशन डेबिट टू प्रोविजन 5,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इट वॉज डिसाइडेड टू हैंस फॉर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड, वो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें फॉलो करनी है, तो इसलिए ये जो कैपिटल है उसमें हम ये करंट की बैलेंस ऐड कर देंगे। तो यहां मैं करेक्शन कर दूंगा, जो भी करंट की बैलेंस निकलेगी उसमें हम कैपिटल ऐड करके लिख लेंगे। ओके, क्योंकि अब हमें फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो नहीं करनी है, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करनी है, तो ये मैं चेंज कर दूंगा जब बैलेंस आए तब। ओके, बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इश्यूड बाय क्रेडिटर्स वेर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ओके, बिल्स पेएबल 1,00,000 दिया गया है, उसमें से ये अमाउंट बिल्स पेएबल एक्सेप्ट हो गई उसमें प्लस होगा और क्रेडिटर्स में से माइनस होगा, तो इसमें 40,000 और माइनस करेंगे हम क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स होगा 2,05,000 आउटर में, टोटल 55 माइनस हो जाएगा, और बिल्स पेएबल जो भी है उसमें 40,000 प्लस हो जाएंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में 1,00,000 है, तो अब 1,40,000 बिल्स पेएबल हो जाएंगे, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स उतने कम हो जाएंगे और बिल्स पेएबल उतने ज्यादा हो जाएंगे। ओके, लास्ट, ए प्रोवाइड्स 1,00,000 लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो लोन जो है वो हम लायबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है वो एज लोन 1,00,000, जो लोन हमने ली है उसके उसकी इफेक्ट क्या होगी दूसरी, उतनी हमारे पास कैश बढ़ जाएगी, तो टू एज लोन करके हम लोन बैंक में ऐड कर देंगे, क्योंकि उतनी कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, एडजस्टमेंट के बाद हम बैलेंस शीट टैली करते हैं, जो जो भी एंट्री नहीं आई वो लिख देते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आई, ज्यादातर एंट्री नहीं आई, डेटर्स किसी का कोई भी एंट्री नहीं की है अभी तक, तो सारी एंट्री एडजस्टेड एज इट इज हम लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी 2,00,000, फर्नीचर 50,000, स्टॉक 1,50,000, डेटर्स हमने लिख लिए है, बिल्स रिसीवेबल 60,000, और बैंक की बैलेंस हमारी नहीं आएगी वो लिखेंगे। ओके, इस साइड कैपिटल हमने लिख ली है, करंट की बैलेंस भी लिख ली है, क्रेडिटर्स हमने लिख ली है, और बिल्स पेएबल भी लिख ली है, इस साइड तो कंप्लीट हो गई है। ओके, तो अब रिवेल्यूएशन का टोटल करते हैं, रिवेल्यूएशन में लॉस आएगा 25,000, यहां का टोटल है 25,000 में से 15,000 माइनस कर दो, 10,000 लॉस आएगा बाय डिविजिबल लॉस, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एबीसी, सॉरी तो सी नहीं आएगा, ओल्ड रेशियो में है, इसलिए ओल्ड रेशियो इक्वल है तो 5,000 दोनों को मिलेगा, यहां पे लिखेंगे टू डिविजिबल लॉस 5,000 फॉर बोथ। ओके, अब करंट अकाउंट भी क्लोज कर देंगे, $80,000
60,000, उसमें से माइनस करो तो 75,000 होगा और 55,000 होगा। अब ये बैलेंस को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। जनरली क्या होता है कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो कैपिटल और करंट की बैलेंस हम अलग लिखते हैं। इसमें आपको बोला है कि अब फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करनी है, मतलब कैपिटल करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, तो करंट की अकाउंट जो भी बैलेंस हुई वो कैपिटल में ऐड करनी है। तो ये जो करंट कैपिटल हमने लिखी है उसमें हम ऐड कर देते हैं 3 लाख प्लस 75,000, 2 लाख प्लस 55,000, मतलब हो गया 3 लाख 75,000 और 2 लाख 55,000 हो गया। ओके, तो चेंज क्या होगा, कैपिटल का टोटल अब आएगा 8 लाख 80,000, सॉरी 8 लाख 80,000। ओके, बैंक का टोटल 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख 50,000, तो 4 लाख 50,000 आएगा। और यही बैलेंस हम यहां लिखेंगे, बैंक 4 लाख 50,000, दोनों साइड का टोटल करो तो टोटल आएगा 13 लाख 45,000। ओके, बैलेंस दोनों साइड का सेम ही आएगा। ओके, 13 लाख 45,000। ये अब ये हमारा लास्ट था ये टॉपिक का। अब एडजस्टेड कैपिटल आएगा। एडजस्टेड कैपिटल में एक सम आपको करवाऊंगा, उसके बाद आपको जो डिलीटेड टॉपिक है वो आप एक बार देख लीजिएगा। डिलीटेड टॉपिक में एडजस्टेड कैपिटल का जो टॉपिक है वो कट हो गया है, तो एक बार हम सीख लेंगे, लेकिन वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये वाले सम की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना आप, क्योंकि अभी तक का टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू।